देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये नल टपक रहा है बूंद बूंद, इसके लिए जुगाड़ कैसे बनाया हूँ। तो देखिए पानी फिर भी बहुत खास आता है दोस्तों के पत्थर का, तो इसे हम देखिए निकल गया, इधर से भी दिखता है, साइड से भी दिखता है, देख सकते हैं ये पूरा चिपक के बैठा था, तो थोड़ा इसका हाइट हो गया। ये देखिए जैसे मैं टाइट करके आपको दिखाई देता हूँ। हेलो दोस्तों, जाही गवार प्लम्बिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये नल टपक रहा है बूंद बूंद, तो इसे कैसे ठीक करते हैं वो ठीक करके आपको दिखाते हैं। एक रुपये का आपका खर्चा नहीं लगेगा, इसे ठीक करने के लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा। तो घर पे कैसे रिपेयरिंग नल का कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी बढ़िया तरीका से आपको इस वीडियो में मैं समझाऊँगा। तो देखिए ये बूंद बूंद टपक रहा है दोस्तों, तो ये मैं जुआड़ लगा के, पाइप लगा के मैं बांध के, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे बांध के आपको दिखाना है। तो इसके लिए मैं ये जुआड़ लगा के, ये नल लगा के, ख़राब था नल, तो नल हमको टेस्टिंग भी करना था, तो नल लगा के हमने टेस्टिंग भी कर लेते हैं और आपको वीडियो बना के दिखा देते हैं। देख रहे हैं जैसे बूंद बूंद टपक रहा है नल, तो इसे ठीक कैसे करते हैं, एक रुपये का खर्चा नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसे पहले हम नल को खोल लेते हैं। नल को खोलने के लिए दोस्तों खोलेंगे, लेकिन ये हमारे पास है तो मैं नल का पैकिंग कर दूंगा ताकि पानी ना निकले ज़्यादा। और ये नल मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नल अच्छा नल है, पानी बराबर तरीका से आ रहा है। ये देखिए देख रहे हैं जैसे, तो इस नल को पहले हम खोल लेते हैं, खोल के रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे अच्छी तरीका से। ये हमारा जुगाड़ कैसे बनाए हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए, ये भी आपको दिखाएंगे कि मैं टेस्टिंग करने के लिए जुगाड़ कैसे बनाया हूँ। तो देखिए पानी फिर भी बहुत खास आता है दोस्तों। देखिए हमने प्लग लगा दिया ताकि पानी हमारा जो है वेस्टेज ना जाए, तो प्लग हमने लगा लिया और नल को निकाल लिया हूँ। देख रहे हैं जैसे, ये देखिए, तो इसे हम रिपेयर करके दिखाते हैं आपको। आइए चलिए। नल को दोस्तों रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। एक स्क्रू ड्राइवर, ये देखिए एक स्क्रू ड्राइवर हमें लगेगा, और एक ये पक्कड़ ले सकते हैं, ये पक्कड़ नहीं है तो ये पाना भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं जैसे सेटिंग पाना है, ये सेटिंग कर सकते हैं, जितना अपने को जरूरत पड़ेगा उतना सेटिंग कर सकते हैं, इससे सेटिंग हो जाता है। ये देखिए ये खुल रहा है, तो जितना अपने को ज़रूरत रहता है दोस्तों उतना सेटिंग कर सकते हैं। तो ये पाना ले लेंगे तो भी चलेगा, या पकड़ लेंगे तो भी चलेगा। तो ये दो ही चीज़ अपने को मांगता है। ये देखिए देख रहे हैं जैसे इसको डाबर, और ये पाना या ये पकड़। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट खोल लेते हैं पहले नल को। पहले नल का ये डांडी निकालने के लिए दोस्तों ऊपर देखिए ढक्कन दिया गया था, मैं खोल लिया, तो और इसको डाबर से इसे खोल लेंगे स्क्रू को। अंदर बहुत जंग लगा है दोस्तों, ये देखिए बहुत दिन का जूना पुराना पड़ा हुआ था, तो जंग लगा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा था, अभी उजाला मैंने कर दिया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हम इसे खोल लेते हैं स्क्रू को। ये देखिए स्क्रू हमने खोल लिया है, तो इसे हम ऐसा करके निकाल लेंगे। ये थोड़ा जाम भी रहेगा दोस्तों, देखिए जाम तो हो ही गया था, जाम रहता है तो दोस्तों पकड़ या पाना से थोड़ा ठोक ले, ठोक के खोल ले। तो इसका ऊपर का पहले टोपी हम खोल लेते हैं। ये देखिए टोपी हमने खोल लिया, तो ये स्पेंडल है दोस्तों, मेन खेल इसी का रहता है, पानी कंट्रोल यही करता है, पानी का लीकेज भी होता है तो इससे ही हो जाता है, अंदर वाइसर वगैरह दिया रहता है। लेकिन ये कितना बढ़िया तरीका से साफ हो जाएगा मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ खोल के। देखिए बहुत बढ़िया तरीका से ठीक हो जाएगा, एक रुपये का खर्चा नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये देख रहे हैं इसका वाइसर दिया गया है, तो ये वाइसर हम निकाल लेते हैं। तो इसका वाइसर खराब नहीं है दोस्तों, ये अंदर का ये देख रहे हैं ना, ये जो पत्थर लगा है इसका सेरामिक का पंखड़ी दिया गया है बना के पत्थर का। तो इसे हम देखिए निकल गया, ऐसा ठोकेंगे तो निकल जाता है, तो ये ध्यान रखें। देखिए इसके ऊपर का कवर है ऐसा,
कवर इसके ऊपर का है और ये जो है इसके ऊपर ऐसा लगा था, इस तरीका से ये लगा हुआ था, देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों मैं बोला था जैसे कि एक रुपये का खर्चा नहीं लगेगा, ये नल ठीक हो जाएगी, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं बीच में इसको खांचा दिया गया है, ये खांचा दिख रहा होगा आपको, और स्पैंडल के अंदर देखिए ये लॉक दिया है, ये घुमाने पे वो खांचे में फंसता है, तो ऐसा घुमाने से एक काम करता है। तो ये दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे से ऐसा घसते घसते तो इसका जो है ये थोड़ा बहुत घस जाता है, तो पानी जो है लीकेज होना चालू हो जाता है, ऐसा घुमाते घुमाते ये घस जाता है तो पानी लीकेज चालू हो जाता है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं क्या चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, ये हमने माचिस लिया है, माचिस देख रहे हैं, जैसे हमने माचिस लिया है, माचिस का एक तिल्ली निकाल लेंगे, ठीक है, तिल्ली निकाल लेंगे तो इसके ठीक माप से हमें तिल्ली को ऐसा तोड़ लेना है, तोड़ लेना है दोस्तों, तो फिर इसके बाद इसको इसमें डाल लेना है। ये देखिए एकदम आसानी तरीका से बैठ गया है, ये देखिए बैठ गया है, तो इसका कवर जो है हम फिर लगा लेंगे, कवर लगा लिए। तो दोस्तों इसे सिंगल पहला हम इसमें डालेंगे, ये देख ये ध्यान देना पड़ेगा ये अपना लॉक किधर है, तो लॉक हमारा ऐसा हम बैठा देंगे, इधर से भी दिखता है साइड से भी दिखता है, देख सकते हैं, ये देखिए ये बैठ गया दोस्तों। तो इसके बाद जो है हम ये पत्थर जो की खांचा दिया गया है, ये देखिए ऊपर ये खांचा दिया गया है, तो इसमें भी अंदर खांचा है, ये दोनों खांचा का मैच कराएंगे हम, ये देख रहे हैं जैसे ये खांचा और ये नीचे साइड खांचा दिख रहा है, तो ऐसा हम इसमें डाल लेंगे, देखिए हमारा बैठ गया, और फिर इसके बाद ये रबड़ से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब तो करना भूले मत, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो देखने वाले बहुत से लोग भाई बंधु देखते हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों वो लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और दूसरी बात रह गया कि लाइक तो करते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी दोस्तों हम लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों तो इसे हम लगा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमने इसे लगा दिया, तो ये देखिए ये पूरा चिपक के बैठा था, थोड़ा इसका हाइट हो गया, वो लगाने से हमने माचिस का कांडी जो लगाया उसको लगाने से थोड़ा हाइट हो गया इसका। नल में जब ये टाइट होएगा दोस्तों तो ये पूरा दबाव पड़ेगा, ये थ्रेडिंग का इसका, ये देखिए जैसे मैं टाइट करके आपको दिखाई देता हूँ, देखिए अब ये थ्रेडिंग का ऐसा जितना टाइट करेंगे उतना नीचे दबाएगा, तो इधर होल दिया रहता है तो होल पे वो वाइसर जो है परफेक्ट टाइट बैठ जाता है, टाइट बैठने के बाद पानी नहीं निकलता तो लीकेज बंद हो जाता है। तो आपको लाइव मैं दिखा देता हूँ सब टेस्टिंग करके, ये देखिए हमने टाइट कर लिया अच्छी तरीका से इसे, ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा टाइट हो गया, बाद में थोड़ा ढील हो जाएगा चलते चलते, लेकिन अपना काम जो लीकेज का था वो बंद हो जाएगा। नल तो ख़राब ही नहीं होता है दोस्तों, ध्यान देंगे सब चीज़ों का, तो नल नहीं ख़राब होता है, यही सब चीज़ ख़राब होता है, और नहीं लगने के जैसा रहता है तो ज़्यादा नहीं, मार्केट में 50 से 100 रुपये के बीच ही मिल जाता है, ये पूरा सेट ही मिल जाएगा, तो ये पूरा सेट लेंगे तो उतने तक मिल जाता है, और वाइसर लेने जाएंगे तो वाइसर 2-4 या 5 रुपये तक मिलता रहेगा, तो उससे नहीं काम बनता है तो इसे ही बदली कर दें, लेकिन जब भी काम बनता है तो आप इस तरीका से रिपेयरिंग करके घर का नल काम चला सकते हैं। चलिए दोस्तों तो हम इसे अच्छी तरीका से लगा देते हैं, लगा के आपको पानी टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रू जो है टाइट कर लेंगे अच्छी तरीका से, ये भी देखिए पूरा जंग लगा हुआ नल था, ख़राब था, तो मैं टेस्टिंग में लाया इसको, तो मैं बोला वीडियो बना देता हूँ आप लोग को भी समझ में आ जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, इसका टिकली हमने ऊपर का जो निकाला था वो लगा दिया। ये देखिए अंदर दिख रहा होगा आपको, हो ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अब इसे लगा के दिखाते हैं आपको। इसे जो हमने लगाया था दोस्तों, तो इसे हम निकाल लेंगे पहले। ये दोस्तों नल चालू ही था, बंद कर देते हैं और इसे टाइट करके आपको दिखा देते हैं लीक कि सही हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा नल लग गया है और जो बूंद बूंद टपक रहा था वो पानी टपकना बंद हो गया है। ये देखिए हम चालू करके दिखा देते हैं, देखिए पानी भी आ रहा है बराबर और ये पानी बंद हो गया इसका टपकना। ये नल में का थोड़ा पानी है वो गिर रहा था, लेकिन अभी टपकना जो है बंद हो गया। दोस्तों हमारी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो देखिए दोस्तों, हमने जो जुगाड़ लगाया था, हमने बताया था आपको कि हमने जुगाड़ लगा के ये काम किया है। तो ये देखिए, हमने कुछ लूज पाइप लिया है और कुछ ये अपना सी पी वी सी का पाइप है और ये ब्रास का एल्बो सी पी वी सी का हमने लगाया है। और ऊपर बाल्टी कोट महल्ले के ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि हमने बाल्टी में पानी भरा है, पानी भर के आपको टेस्टिंग दिखाया और नल को ठीक करके दिखाया। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, आपके पास भी नहीं जुगाड़ है तो ऐसा कर सकते हैं। कोई किसी हाइट पे, थोड़ी भी हाइट पे रखेंगे तो भी पानी आता है, ऐसा कुछ नहीं।